किशोर रूप में अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने वाले श्रीनाब मौजेश अग्रवाल को आज 24 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका सपना अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने का है। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किशोरों को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस साल कोरोना काल में दो साल 2020-21 और 21-22 के लिए एक साथ यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव प्रयोग करने वाले बच्चों को सम्मानित करता है। समारोह का आयोजन केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में किया गया। जिलाधिकारी आर विमला, श्रीनब के पिता डॉक्टर मौजेश अग्रवाल, मां डॉक्टर टीनू अग्रवाल शामिल हुए थे। यह पुरस्कार श्रीनिवास को डिजिटल रूप से दिया गया, जिसमें डिजिटल सर्टिफिकेट पुरस्कार विजेता के खाते में 1,00,000 की राशि को डाला गया। आज प्रधानमंत्री ने 21 राज्यों के 23 बच्चों से संवाद साधा। यह पुरस्कार अनुसंधान, साहसिक कार्य, समाज सेवा, कला, खेल, शिक्षा, नवीन क्षेत्रों में नवीन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। श्रीनब ने कम उम्र में ही वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। श्रीनब ने 2 पुस्तकें लिखी है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित किए हैं। उनका पेटेंट ट्रिपल लॉक बोर होल प्रोटेक्शन लीड पर भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने IIT कानपुर से फिजिक्स के 2 कोर्स भी पूरे किए हैं। कम उम्र में किताबें लिखने के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और चिल्ड्रन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सूचीबद्ध किया गया है। प्रशासन नक्कीच या संदर्भात काम करेल, अभिमान तर आहेच, मला वाटतं प्रत्येक नागपूरकरांना राहणारच आहे की आपल्याकडनं या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे आणि ह्याच्याकडनं अनेक लोकांना प्रेरणा निश्चित रूपाने मिळेल। मला वाटतं आज जो प्रसारण होत आहे, अनेक मुलं बघतील आणि इनोव्हेशनमध्ये आम्ही शिकवण्यापेक्षा त्यांनीच काहीतरी नवीन करायचं आहे, तर आपलं सतत अभ्यास करावा, जागरूक राहावं, सोशल मीडियावर जरा लांब राहावं, व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक आणि इंस्टाग्राममधनं, आणि अभ्यास जास्त केलं तर मला वाटतं हे निश्चित रूपाने चांगलं होऊ शकेल। आणि वोकल फॉर लोकल असं माननीय प्रधानमंत्रींनी एक मेसेज दिलेला आहे की आपल्या घरामध्ये आपण काय काय जे भारतामध्ये निर्माण होतो वापरत आहोत, तर हे प्रत्येक मुलाला त्यांनी असा एक आदेश दिलेला आहे, त्याचंही अनुपालन केलं तर चांगलं वाटेल। पुरस्कार इनोव्हेशन की कॅटेगरी में मिला है। मैंने येलो मोज़ेक वायरस, जो एक प्लांट्स में काफ़ी घातक बीमारी होती है, इसका एक नेचुरल सोल्यूशन बनाया, जिसके वजह से मुझे 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नवाचार की कैटेगरी में दिया गया है। क्या ध्येय रखा है आपने सामने आगे जाने? मुझे फ्यूचर में भारत के लिए नोबेल प्राइज लाना है साइंस में, और अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में बैचलर ऑफ साइंस परस्यू कर रहा हूँ। जब से ये बहुत छोटा सा था तो ही हैज हमेशा बहुत अच्छा लिखना इसको पसंद था, बहुत अच्छा पढ़ना पसंद था। आज तक श्रीनब ने 200 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, बहुत सारी मैगजीन्स और नेशनल जर्नल्स, इंटरनेशनल पेपर्स, रिसर्च पेपर्स इसके साथ आज तक पब्लिश हो चुके हैं, और आज IIMs में से इंदौर और नागपुर में पेपर प्रेजेंट करने वाला ये सबसे छोटा बच्चा है। जब क्लास 6 में श्रीनब था तब इसने जाहिर की अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं फिजिक्स में डिग्री करना चाहता हूँ। अब तब इंडिया में तो पॉसिबल नहीं था इतने छोटे बच्चे के लिए। हमने IIT कानपुर में HC वर्मा सर थे, उनसे बात की, तो 8th स्टैंडर्ड में जब श्रीनब था तब उन्होंने अपना एक डिजिटल प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम फिजिक्स के लिए स्टार्ट किया था। तब हमने उनसे अप्रोच किया कि हमारा बच्चा भी पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने कहा बहुत छोटा है करके, अभी ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये ग्रेजुएट्स और टीचर्स के लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अटेंड करना चाहता है तो फर्स्ट असाइनमेंट तक वो करे, अगर उस असाइनमेंट में वो अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको ज़रूर मौका देंगे। श्रीनिवास वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में अपने प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से उन्हें उपहार दिया गया, विमला ने सम्मानित किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनब ने कहा कि उनका सपना संशोधन में नोबेल पुरस्कार जीतना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।